पर कुछ स्पेशल टाइप के कर्व्स हैं जो रह गए थे, तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लॉइड लिखा हुआ है। अ कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पर जो लिखा है इससे समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा कर्व जो किसी भी पॉइंट के थ्रू एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जनरेट होता है बिना स्लिप हुए इज़ अ साइक्लॉइड, जस्ट लाइक एज आई एम ड्रॉ देयर। ठीक है, इफ द सर्कल स्टार्ट फ्रॉम द हेयर, roll like that. It's a horizontal plane and इसके circumference है, ठीक, इस तरह का curve generate होता है विदाउट स्लिप, सडाया इज कॉल्ड अ साइक्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ कर्व में दो चीज़ें हैं, एक तो साइक्लॉइड होता है और एक होता है इनवॉल्यूट। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, पर साइक्लॉइड और इनवॉल्यूट में केवल एक ही डिफरेंस है कि इट्स फॉलो द पैरेलल पाथ, मतलब ये किसी हॉरिजॉन्टल वे में अपनी मोशन को करता है, यानी कि रोल करता है विदाउट स्लिप हुए। पर इट इन द केस ऑफ इन्वॉल्यूट ऐसा नहीं होता है। आगे है एपिसाइक्लॉइड। एपिसाइक्लॉइड में क्या होता है, इट्स सेम एज साइक्लॉइड। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस सिंपल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कि एपिसाइक्लॉइड क्या है। एपिसाइक्लॉइड इट्स अ सेम टाइप ऑफ साइक्लॉइड, बट द डिफरेंस इज दैट इट रोल्स अलॉन्ग एंड द अनदर सर्कल एंड आउटसाइड फॉर द कम्प्लीट रिवॉल्यूशन। इन मान लिया कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अराउंड आउटसाइड अगर कोई रिवॉल्व करता है सेम एज विदाउट स्लिप, like that, इस तरीके से बिना स्लिप हुए सेम एज दिस इस तरीके से रोल कर रहा है, तो ये जो कर्व मिलता है ये होता है एपिसाइक्लॉइड। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर हाइपोसाइक्लॉइड। द डिफरेंस इज दैट इसमें भी वो भी ये भी उसकी तरह सेम ही है, साइक्लॉइड जैसा ही है, बस इसमें सर्कल जो है वो इनसाइड रोल करता है ऑन द अनदर सर्कल। मीन्स अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ सिंपल फॉर यू ओनली अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज द हाइपोसाइक्लॉइड डायग्राम इज वेरी टफ एंड मान लिया ये इन साइड पे इस तरीके से रोल करते हुए जा रहा है इन द सेम पाथ विदाउट स्लिप, ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो जो इनसाइड साइड से जो कर्व मिलेगा इस तरीके से कुछ, और इस वाले सेक्शन पे इस तरीके से कुछ, इट मींस ये क्या होता है, हाइपोसाइक्लॉइड का सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर बस सिंपल तीन बातें हैं, एक जिसमें आपको किसी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेक्शन रोल कर रहा है, दूसरा व्हेन द आउटसाइड ऑफ द एनी सर्कल एंड व्हेन द इनसाइड इन द एनी सर्कल। सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ अ कर्व, स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्स। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो भी मैंने बोली कि इनवॉल्यूट, जस्ट
इमेजिन व्हेन द कर्व जनरेट एनी बाय द एनी रोप व्हेन इट रिमूव फ्रॉम एनी एनी सब्सटेंस ले लीजिए और एज एग्जांपल रेक्टेंगल हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, एक्सेट्रा. ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर सपोज करिए कि आपके पास एक सिंपल एक पेंसिल है, ठीक है, और आपको आपने इस पर कोई एक रोप को रोल कर दिया है इस तरीके से. जब आप ये रोप को रोल कर दिया है, फिर जब आप इसी रोप को जब ओपन करते हैं तो वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है ऐसे, ठीक है, जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, व्हेन यू ओपन दिस रोप इट इज़ कॉल्ड अ इन्वोल्यूट. इट मीन्स लाइक अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ मैं तो इन्वोल्यूट का मान लिया ये आपका सेक्शन है, तो इसके जो आउटर पेरिफेरी पे इस तरीके से रोल करता हुआ कोई सेक्शन जा रहा है तो ये इन्वोल्यूट होता है. ठीक, हाइपोसाइक्लॉइड में एक टर्म और आता है, हाइपोसाइक्लॉइड का अगर सेक्शन. ठीक है, मान लिया कि ये मैंने यहाँ पर बना रखा था, इस तरीके से सेम डाया के सर्कल हो, हाँ, और इसका जो पाथ ट्रैवल्ड वाला हो वो भी सेम डाया को हो. इट मीन्स इफ द डाया ऑफ द डायरेक्टिव सर्कल इज ट्वाइस द डाया ऑफ द जनरेटिंग सर्कल. ठीक है, इफ डाया ऑफ डायरेक्टिव इज इक्वल टू ट्वाइस द डाया ऑफ जनरेटिंग सर्कल, तो इस केस में ये हमें जो पाथ मिलता है इसका हाइपोसाइक्लॉइड का, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ हाइपोसाइक्लॉइड, नॉट अ साइक्लॉइड. अगर डाया ऑफ द डायरेक्टिव सर्कल कोई भी एक सर्कल है, डायरेक्टिव है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमें मिलता है बाद में आफ्टर द जनरेटिंग सर्कल, तो उसके थ्रू अगर उसका डाया या जनरेटिंग सर्कल का डाया टू टाइम्स है ऑफ डायरेक्टिव सर्कल का, तो वो स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है. तो इसमें से एक पार्ट बच रहा है जो है कोनिक. कोनिक्स क्या होते हैं? कोनिक्स इज डिपेंड अपॉन द ई. ठीक है, व्हाट इज द ई? ई यहाँ पर सेंट्रिसिटी है, जो कि आपको क्या बताता है कि हमें कैसा सेक्शन मिलेगा. अब जैसे कि फॉर दिस वी कैन से दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, ये है लोकस. ठीक है, ये किसी एक प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है. सच दैट एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट. किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी फिक्स्ड लाइन पे इसकी डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है. अगर इसी पॉइंट का, ठीक है, सेक्शन जिसमें कि इसेंट्रिसिटी यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट से अगर वो डिस्टेंस मोर देन ऑफ वन मिलती है तो इट्स अ हाइपरबोला. अगर वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वन मिलती है तो इट्स अ पैराबोला. ठीक है, अगर वही डिस्टेंस इट्स लेस देन वन मिलती है तो वो होता है एलिप्स. ठीक है, तो ये तीन केस होते हैं इन द कोनिक्स. कोनिक्स में भी इट डिपेंड अपॉन द सेंट्रिसिटी द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज कॉन्स्टेंट, और इस फिक्स लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के कर्व्स हैं जो रह गए थे, तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लॉइड लिखा हुआ है. अ कर्व जनरेटेड बाई अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्फेस. तो यहाँ पर जो लिखा है इससे समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा कर्व जो किसी भी पॉइंट के थ्रू एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जनरेट होता है बिना स्लिप हुए इज़ अ साइक्लॉइड. जस्ट लाइक एज आई एम ड्रॉ देयर के
इफ द सर्कल स्टार्ट फ्रॉम द हेयर. ठीक, एंड इट्स रोल लाइक दैट. इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इसके सर्कमफेरेंस से, ठीक, इस तरह का कर्व जनरेट होता है विदाउट स्लिप. सडाया इज कॉल्ड अ साइक्लॉइड. ठीक है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ कर्व में दो चीज़ें हैं, एक तो साइक्लॉइड होता है और एक होता है इनवोल्यूट. ठीक है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, पर साइक्लॉइड और इनवोल्यूट में केवल एक ही डिफरेंस है कि इट्स फॉलो द पैरेलल पाथ. मतलब ये किसी हॉरिजॉन्टल वे में अपनी मोशन को करता है, यानी कि रोल करता है विदाउट स्लिप हुए. पर इट इन द केस ऑफ इनवोल्यूट ऐसा नहीं होता है. आगे है एपिसाइक्लॉइड. एपिसाइक्लॉइड में क्या होता है, इट्स सेम एज साइक्लॉइड. ठीक, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस सिंपल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कि एपिसाइक्लॉइड क्या है. एपिसाइक्लॉइड इट्स अ सेम टाइप ऑफ साइक्लॉइड, बट द डिफरेंस इज दैट इट रोल्स अलॉन्ग एंड द अनदर सर्कल एंड आउटसाइड फॉर द कम्प्लीट रिवॉल्यूशन. इन मान लिया कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अराउंड आउटसाइड अगर कोई रिवॉल्व करता है सेम एज विदाउट स्लिप, लाइक दैट, इस तरीके से बिना स्लिप हुए सेम एज दिस इस तरीके से रोल कर रहा है, तो ये जो कर्व मिलता है ये होता है एपिसाइक्लॉइड. ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर हाइपोसाइक्लॉइड. द डिफरेंस इज दैट इसमें भी वो भी ये भी उसकी तरह सेम ही है, साइक्लॉइड जैसा ही है, बस इसमें सर्कल जो है वो इनसाइड रोल करता है ऑन द अनदर सर्कल. मीन्स अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ सिंपल फॉर यू ओनली अंडरस्टैंडिंग. Because the hypocycloid diagram is very tough and ठीक है, मान लिया ये इन साइड पे इस तरीके से रोल करते हुए जा रहा है इन द सेम पाथ विदाउट स्लिप. ठीक, थीटा एंगल पे है. ठीक है, तो जो इनसाइड साइड से जो कर्व मिलेगा इस तरीके से कुछ, और इस वाले सेक्शन पे इस तरीके से कुछ. इट मींस ये क्या होता है, हाइपोसाइक्लॉइड का सेक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पर बस सिंपल तीन बातें हैं, एक जिसमें आपको किसी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेक्शन रोल कर रहा है, दूसरा व्हेन द आउटसाइड ऑफ द एनी सर्कल एंड व्हेन द इनसाइड इन द एनी सर्कल. सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ अ कर्व, स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्स. एंड यहाँ पर एक चीज़ जो भी मैंने बोली कि इनवोल्यूट, जस्ट इमेजिन व्हेन द कर्व जनरेट एनी बाय द एनी रोप व्हेन इट रिमूव फ्रॉम एनी सब्सटेंस ले लीजिए, और एज एग्जाम्पल रेक्टेंगल हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, एक्सेट्रा. ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर सपोज करिए कि आपके पास एक सिंपल एक पेंसिल है, ठीक है, और आपको आपने इस पर कोई एक रोप को रोल कर दिया है इस तरीके से. जब आप ये रोप को रोल कर दिया है, फिर जब आप इसी रोप को जब ओपन करते हैं तो वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है ऐसे, ठीक है,
जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, व्हेन यू ओपन दिस रोप इट इज कॉल्ड अ इन्वोल्यूट। इट मीन्स लाइक अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ मैं तो इन्वोल्यूट का मान लिया ये आपका सेक्शन है, तो इसके जो आउटर पेरिफेरी पे इस तरीके से रोल करता हुआ कोई सेक्शन जा रहा है तो ये इन्वोल्यूट होता है। ठीक, हाइपोसाइक्लॉइड में एक टर्म और आता है, हाइपोसाइक्लॉइड का अगर सेक्शन, ठीक है, मान लिया कि ये मैंने यहाँ पर बना रखा था, इस तरीके से सेम डाया के सर्कल हो, हाँ, और इसका जो पाथ ट्रैवल्ड वाला हो वो भी सेम डाया को हो। इट मीन्स इफ द डाया ऑफ द डायरेक्टिव सर्कल इज ट्वाइस द डाया ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, ठीक है, इफ डाया ऑफ डायरेक्टिव इज इक्वल टू ट्वाइस द डाया ऑफ जनरेटिंग सर्कल, तो इस केस में ये हमें जो पाथ मिलता है इसका हाइपोसाइक्लॉइड का, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ हाइपोसाइक्लॉइड, नॉट अ साइक्लॉइड। अगर डाया ऑफ द डायरेक्टिव सर्कल कोई भी एक सर्कल है, डायरेक्टिव है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे, जो हमें मिलता है बाद में आफ्टर द जनरेटिंग सर्कल, तो उसके थ्रू अगर उन उसका डाया या जनरेटिंग सर्कल का डाया टू टाइम्स है ऑफ डायरेक्टिव सर्कल का, तो वो स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है। तो इसमें से एक पार्ट बच रहा है जो है कोनिक। कोनिक्स क्या होते हैं? कोनिक्स इज डिपेंड अपॉन द ई, ठीक है, व्हाट इज द ई? ई यहाँ पर सेंट्रिसिटी है, जो कि आपको क्या बताता है कि हमें कैसा सेक्शन मिलेगा। अब जैसे कि फॉर दिस वी कैन से दैट द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, ये है लोकस, ठीक है, ये किसी एक प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है, such that as a distance from the fixed point to the fixed line is constant, किसी fixed point से किसी fixed line पे इसकी distance जो होती है वो constant होती है। अगर इसी point का, ठीक है, section जिसमें कि eccentricity यानी कि ये जो distance यहाँ पर लिखी हुई है, the distance from the fixed point to the fixed line is constant, से अगर वो distance more than of one मिलती है तो it's a hyperbola, अगर वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वन मिलती है तो इट्स अ पैराबोला, ठीक है, अगर वही डिस्टेंस इट्स लेस देन वन मिलती है तो वो होता है एलिप्स, ठीक है। तो ये तीन केस होते हैं इन द कोनिक्स। कोनिक्स में भी इट डिपेंड अपॉन द सेंट्रिसिटी, द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज कॉन्स्टेंट, और इस फिक्स लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।